आज मैं लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल काले चने की रेसिपी, जिसको हम माता रानी के भोग के लिए आठवीं और नवमी पर बनाते हैं और कन्या भोज करवाते हैं तब भी हम काले चने बनाते हैं। इनको मैंने बिल्कुल भंडारे जैसा हलवाई स्टाइल में बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चलिए तो इस नवरात्रि स्पेशल रेसिपी को मिलके बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये एक कप काला चना लिया है, इसको मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से भीग चुके हैं, ये देखिए हमें इस तरह से भिगे हुए चने चाहिए। वैसे इनको 8 से 10 घंटे तक भी भिगो के रख सकते हैं। और अब हम इनको कुकर में डाल करके बॉयल कर लेते हैं। इन सभी चनों को कुकर में डाल देते हैं और हम इसके अंदर 2 से 3 कप पानी डाल देंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि ये अच्छे से डूब जाएं। मैंने 1 कप चने के लिए 3 कप पानी डाला है, ये अच्छे से डूब चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 तेज़पत्ता है, इसको तोड़ के डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए बॉयल होते टाइम पर ही। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक की डाल देंगे ताकि नमक का फ्लेवर इसके अंदर चनों के अंदर अच्छे से चला जाए। अब है एक ख़ास ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, ये मैंने 1 चम्मच इसके अंदर घी की डाली है। हलवाई लोग भी यही ट्रिक अपनाते हैं जिससे बहुत ही टेस्टी चने बनते हैं। अब हम इसको मिला देते हैं अच्छे से इन चनों के अंदर। अब देखना हमारे चने बिल्कुल भंडारे जैसे बनेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं, 6 से 7 सीटी आने देते हैं और इसे अपने आप ठंडा होने देते हैं कुकर को। ये देखिए 6 से 7 सीटी लग चुकी हैं, कुकर अपने आप ठंडा हो चुका है। इनको मिला लेते हैं और इन्हें चेक कर लेते हैं चने पके या नहीं, देखते हैं। ये देखिए एक चने को हम देखते हैं, देखिए प्रेस करके देखिए कितने पक चुके हैं चने। चनों को हमें इतना ही पकाना है, हमें इनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसको साइड में रख देंगे और इस पानी को हम हटाएंगे नहीं, ये भी हम इसी चने के अंदर काम में लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पानी है। अब हम इन चना को तो साइड में रख देते हैं और इस चना के लिए एक चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक जार लिया है और इसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है और 2 हरी मिर्च है, इनको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, ये भी इसी के साथ डाल देंगे। अब इसी के साथ हम मसाले पाउडर भी डाल देंगे, ये 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है ताकि ये मसाले भी अच्छे से फूल जाएं। इसी के साथ ये 1/2 चम्मच मैंने हल्दी लिया है, ये भी इसी में डाल देंगे। 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है, ये डाल देंगे। 1 चम्मच हम पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे इसके साथ और 1/2 चम्मच हम काला नमक डाल देंगे। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला है और काला नमक हम इसके अंदर स्पेशली डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया, धनिया की क्वांटिटी हम ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि इस धनिए से ही इन चनों के ऊपर मसाले की अच्छे से कोटिंग आएगी, इसलिए हम 3 चम्मच इसके अंदर धनिया की डालेंगे ताकि हमारे चने मसाले वाले बने, इसलिए हम धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखेंगे। 3 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है धनिया। 2 चम्मच हम इसके अंदर अमचूर पाउडर की मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, ये इसको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था और फिर इसको क्रश करके डाला है। अब हम इसी के साथ हरा धनिया को भी डाल देंगे और इसको भी इसी के साथ पीस लेंगे ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छा आए। ये मैंने 1 चम्मच उबला हुआ चना लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर, इससे इस मसाले की कोटिंग अच्छी आएगी और बाइंडिंग होगी इस मसाले के अंदर। ये 3 से 4 चम्मच मैंने उबला हुआ चने का पानी डाला है, इससे इस मसालों का टेस्ट डबल हो जाएगा। अब हम इनका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा सा रखेंगे तभी इस चने का टेस्ट अच्छा आएगा। तो चलिए फिर हम अब इनको पीस लेते हैं अच्छे से। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल का लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं, घी में भी इसको बना सकते हैं। अब हम इसको 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, जीरे को अच्छे से पकने देते हैं। ये 1/2 चम्मच हींग डाला है। अब हम जो मसाला पीस के हमने रखा था ना, वह डाल देंगे इसके अंदर। इसको मिला लेते हैं ऐसे अच्छे से। जार में 2 से 3 चम्मच पानी डाल करके इसके अंदर डाल देंगे ताकि मसाला वेस्ट ना जाए। इसको मिला लेते हैं ऐसे अच्छे से। अब हम 3 से 4 मिनट तक इस मसाले को पकने देते हैं।
ये देखिए मसाला हमारा पक चुका है, तेल भी सेपरेट हो चुका है, खुशबू से सो सारा किचन महक रहा है। ये देखिएगा मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने चने उबाल करके रखे थे ना वो डाल देंगे। इसके पानी को हम नहीं हटाएंगे, पानी सहित इसको डालेंगे क्योंकि ये पानी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। अब हम इसको मिला लेते हैं ऐसे। अब हम इसको इस तरीके से चलाते हुए पकने देंगे। इस पानी को सूखने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसलिए हम इसे ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। अब हम इसी के साथ ये आधा चम्मच गरम मसाला है ये डाल देंगे, और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया है ये भी अभी डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से इसके अंदर आए। अब हम इनको मिला देते हैं ऐसे अच्छे से। ये देखिए इसको इसी तरह लगातार चलाते हुए पका लेंगे। चने हमारे थोड़े ड्राई हो चुके हैं पर अभी पूरी तरीके से ये बने नहीं हैं। 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे। जब तक इस चने पे मसाले की कोटिंग अच्छे से ना आ जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए पानी हमारा बिल्कुल सूख चुका है, चने पे मसाले की अच्छे से कोटिंग आ चुकी है। ये देखिए हमारे मसालेदार चने बन चुके हैं, बिल्कुल भंडारे जैसे चने बने हैं। ये देखिएगा बिल्कुल मसाले वाले चने बने हैं। एक एक चने पे मसाले की कोटिंग अच्छे से हुई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे और इसको मिला लेते हैं। ये लीजिए हमारे काले चने बन करके तैयार हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरे काले चने बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो इस नवरात्रि पे स्पेशली आप इस काले चने को बनाइए। तो आप 8 और 9 पर इस काले चने को बनाइए माता रानी के भोग के लिए। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरे काले चने बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।